सीएस 201 की जो असाइनमेंट 2 थी उसमें हमने ये सिस्को का अकाउंट बनाया था, और अकाउंट बनाने के बाद हमने पार्ट 1 के तकरीबन सारे मैनुअल पढ़ लिए और सारे जो हैं वो हमने टेस्ट दे दिए। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि सी प्लस प्लस का असेंशियल है, और ये हमारे पास जो है ये कोर्स है। ये इसको हल करना और इनको पढ़ना और इसके टेस्ट को हल करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। तो ये देखें, जो मैंने ये पट्टी लगाई है, ये ब्लू लाइन आपकी मुकम्मल 100% होगी तो आपका जो रीड जो है वो किया हुआ तसव्वुर होगा, वरना ये रीड किया हुआ तसव्वुर नहीं होगा। तो करना आपने कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ जो है इसको खोलना है, और ये जो दो तीरों वाला निशान है इसको आप क्लिक करते जाएँ, नेक्स्ट होता जाएगा, नेक्स्ट पेज खुलते जाएंगे और आपका जो ब्लू लाइन है वो पूरी होती जाएगी। तो जितनी देर में ये हम पढ़ रहे हैं, तो आपसे इल्तमास है कि ये वीडियो जो है बड़ी बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए बनाई जाती है ताकि आपको इससे भरपूर फ़ायदा हो। और इस वीडियो की खासियत मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूँगा, ये इसलिए मुनफरद है कि इसमें जो टेस्ट आएगा उसमें सेम तरह के क्वेश्चन हैं और उनके आंसर जो है मिक्स हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे आपको जो है इनमें डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए कि किस सवाल का कौन सा जवाब है, क्योंकि इसमें दो तरह के सवाल जो हैं वो बार बार आएँगे तो उनमें मिक्स होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन उनका उनकी वजह से उनका जवाब जो है काफ़ी जो है वो चेंज हो जाता है। और जब आप जो है वो सेम तरह से या YouTube से देखते हैं तो वहाँ पे जो है उन्होंने इतना डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आप जो है उसके गलत आंसर लगाते हैं और आपका जो है स्कोर पूरा नहीं बन सकता। तो मैंने जो टेस्ट किया है उसके जो है 95% मार्क्स थे, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि जो एक मैंने गलत किया था उसका जवाब क्या है। तो इस तरह से जो है आपका जो 100% मार्क इंशाल्लाह आपके मुकम्मल तौर पर आपके जो शोर हैं और आप जो है वो इसमें से 20 में से 20 सवाल हल करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ये हमने रीड कर लिया है मैनुअल बातों बातों में। तो आप जो है उतनी देर में हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हम जो टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो अब हमने क्योंकि ये पढ़ लिया है तो यहाँ पे टिक लग चुका है, तो अब जो है हम करते हैं इसका मैनुअल नंबर 1 CPPE2 का मैनुअल 1। और ये देखिए मैंने पहले इसको हल किया तो आप देखें 95% मेरे मार्क्स हैं, 19 जो सवाल है मेरे 20 में से दुरुस्त हैं। तो एक सवाल जो पहला सवाल था वो ही मुझसे गलत हुआ था, तो उसमें आपको बताऊंगा। ये देखिए जी हमारे पास ये सवाल है, आप इसको थोड़ा नीचे करें तो आपने देखनी है दो तीन चीज़ें देखनी है आपने। एक आपने देखना है रिटर्न के ऊपर क्या है, और फिर आपने देखना है कि ये पहली लाइन और जो लास्ट लाइन है ये क्या है। ये अगर आप ये इनको बल्कि बेहतर ये है कि कॉपी के ऊपर लिख लें, और इसका जो आंसर बनता था वो 4 बनता था, मैंने जो है गलती से इसका आंसर गलत लगाया। उसके बाद ये देखें दोबारा से कि इनमें आपको कुछ ज़रूरत नहीं है तो आप सी डी लगा दें इसमें। उसके बाद ये हमारे पास सेम सवाल है, मिलता जुलता सवाल है दूसरे के साथ, तो इसमें भी आपने देखना है। तो ये हमारे पास 3 है इसका। ये सवाल भी जो है 1.5 वाला, ये 3 या 4 सवाल आएंगे जिनमें 1.5 होगा। तो आपने तो देखनी है, आपने इसकी 3 चीज़ें हैं, रिटर्न देखना है और लास्ट 2 लाइनें आपने देखनी है, और उस हिसाब से आपने इसका जवाब जो है मैच करते जाना है। ये देखिए जी, इसके बाद ये हमारे पास 1, 2, 3 चीज़ें आपने देखनी, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए जी नेक्स्ट जो है वो भी आपने, ये 1.5 वाला है दोबारा देखें, तो रिटर्न देखना है आपने क्या है, उसके बाद ये लाइन क्या है और ये क्या है। इसको बेहतर ये है कि कॉपी के ऊपर नोट कर लें इन सवालों को, ताकि ये जो है जैसे ही आपके सामने आए तो आप नीचे आके इनको देखें कि इनके अंदर क्या है। आपका टाइम बचाने के लिए एक और ट्रिक है, ऐसे जवाब जो कि सेम नहीं है, जो कि डिफरेंट है, मतलब 3.5 आएगा इसमें 1.5 के आएंगे, या कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें 6 है 9 है, ये सवाल दोबारा किसी और सवाल में रिपीट नहीं हो रहे इनके आंसर। तो लिहाजा इनको आप जो है वो ऐसे लिखें MCQs को, और इनको लिखने के बाद जो है इनमें जो ठीक ऑप्शन है उसको बस जो है वो अंडरलाइन कर लें या उसको निशानी लगा लें, तो आपको जो है वो सवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जवाबों की मदद से ही इन सवालों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका टाइम बचेगा और आप जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ये हमने 16 जो है क्वेश्चन कर लिए हैं, 17 है ये, तो इनमें देखें ये जवाब जी डिफरेंट हैं, तो इनमें से आप जो है इनको क्लिक कर लें जो ऑप्शन ठीक है, इसका सवाल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी देर में हम ये कर रहे हैं दोबारा इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लें जी मैंने टेस्ट कर लिया है, तो अब जो है हम आते हैं बैक समरी की तरफ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने टेस्ट जो है बिल्कुल ठीक किया था।
अब जो है हम रिफ़्रेश करेंगे, जैसे इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो जो पहले टेस्ट के ऊपर टिक नहीं लगा था वो अब लग चुका है।